कैमूर और यूपी के दो दर्जन से अधिक घरों में सेंधमारी कर घर के सारे सामान लूटने के मामले में कैमूर पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 चोरी करने वाले और 1 व्यक्ति चोरी का माल खरीदने वाला है। सभी गिरफ्तार अपराधी कुदरा थाना क्षेत्र के चिलविली गांव के रहने वाले हैं। इनके पास से लगभग 2.5 किलो चांदी, 13 ग्राम सोना का जेवर, 25,000 नगद, 5 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 मास्टर चाबी का गुच्छा बरामद हुआ है। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि 20 नवंबर 2018 से अब तक कैमूर और उत्तर प्रदेश के कई गांव में घर में घुसकर चोरी कर उनका सामान उड़ाने वाले साथी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जो अंतर्राज्यीय अपराधी हैं। यूपी के पुलिस से इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। यूपी में भी चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किए हैं। 2 दर्जन से अधिक कांड को अंजाम दे चुके हैं। कैमूर पुलिस की यह बड़ी सफलता है। कैमूर जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में रात्रि में गृह भेदन की लगातार घटनाएं हो रही थी। पिछले जनवरी से अभी तक लगभग 23 घटनाएं हुई थी, जिसके वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में एक बड़ा गिरोह जो इस क्षेत्र में सक्रिय था और बगल के सीमावर्ती यूपी में भी सक्रिय था, पकड़ा गया है, जिसके 5 सदस्य पकड़े गए हैं और 1 जो रिसीवर है, जो इनका सोना चांदी खरीदता था, वो पकड़ा गया है। उसके पास से लगभग 2.5 किलो चांदी, सोना और 25,000 रुपये लगभग नकद और भी अन्य कई सामान बरामद हुए हैं। और इस क्षेत्र में 2 दर्जन के आसपास चोरी गृह भेदन की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। एक बड़ा गिरोह था जो पुलिस के पकड़ से लगातार बाहर था और इसके पास से कई चाबियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस अभी इस गिरोह के कुछ अन्य सदस्य जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मार रहे हैं। कैसी हैं सर? ये मास्टर की टाइप की हैं, जिनको कि कभी भी ये लोग इस्तेमाल करके घर को खोल लेते थे या फिर घर फान करके चोरी करते थे। मतलब एक एक्टिव जो ऑर्गेनाइज गैंग होता है वो उस तरह का गैंग। सर जो आज गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ अभी जो हम लोग के वैज्ञानिक अनुसंधान से या तकनीकी अनुसंधान से पता चला कि यूपी के कुछ क्षेत्रों में इनके द्वारा चोरी की बात सामने आई है, अभी हम लोग इसे छानबीन कर रहे हैं।